नमस्कार दोस्तों, 18वीं लोकसभा चुनाव की बात करें, 18वीं लोकसभा संसद की बात करें, 18वीं लोकसभा विशेष सत्र की बात करें, तो इस बार बड़ा ही रोचक, अनोखा और अद्भुत दृश्य आपको संसद में देखने को मिलने वाला है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि पिछले दो दिन से जो हमें अजीबो गरीब नजारे संसद में देखने को मिले हैं वो बड़ा ही रोचक है। आपसे इस वीडियो में हम दूसरे दिन जो शपथ ग्रहण का था उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। हुआ दरअसल यूं कि महाराष्ट्र के जितने भी सांसद थे वो सुबह में शपथ ग्रहण अपना शुरू किए, फिर बारी आई भोजन अवकाश के बाद यानी लंच ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश के सांसदों की शपथ ग्रहण। उत्तर प्रदेश के सांसदों का नाम जैसे ही उद्घोष होना शुरू हुआ तो संसद अपने अपने क्षेत्र श्रद्धा और आस्था के नारों से गूंजता रहा। कहीं जय श्री राम, जय भीम, जय संविधान के नारों से संसद इतना गूंजा कि पक्ष अपना नारा लगा रहा है, विपक्ष अपना नारा लगा रहा है और सभी सांसद जो 542 में से 535 सांसद थे उन्होंने अपना शपथ ग्रहण पूरा किया। 7 सांसद अभी बचे हुए हैं, वो अपना शपथ ग्रहण पूरा करेंगे और साथ ही आज का जो दिन है आज लोकसभा स्पीकर तय होने वाले हैं, ओम बिरला या के सुरेश, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि कल क्या हुआ। तो कल दरअसल बात मेरठ की सांसद की है। मेरठ के सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के अरुण गोविल, उनका नाम उद्घोष हुआ कि शपथ ग्रहण के लिए आए। शपथ ग्रहण जैसे उनका नाम का उच्चारण हुआ तो बीजेपी के जितने भी यानी पक्ष के जितने भी सांसद थे उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाना शुरू किया और वहीं ठीक उसी समय सत्ता समाजवादी पार्टी के जितने भी सांसद थे उन्होंने नारा लगाना शुरू किया कि बेईमानी से जीते हो, बेईमानी से जीते हो। यह नारा क्यों लगा इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। पहले सुनिए कि मेरठ के सांसद जैसे ही अपना शपथ पढ़ने आए तो शपथ उन्होंने संस्कृत भाषा में पढ़ी। संस्कृत भाषा में शपथ पढ़ने के बाद वो जय श्री राम और जय भारत माता के नारा लगाए। इस नारा के बाद वो जब जाने लगे तो विपक्ष एक और नारा लगाती है, जय अवधेश, जय अवधेश। ये नारा क्यों? क्योंकि फिरोजाबाद विधानसभा क्षेत्र से जो अवधेश प्रसाद है वो जीते हैं और अरुण गोविल प्रसिद्ध रामायण सीरियल जो था उसके राम के चरित्र के रूप में बड़ी प्रसिद्ध हुए थे तो राम के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने इनको प्रचारित किया था, इनको जनता के समक्ष लाए थे। लेकिन अयोध्या हार गए तो फिरोजाबाद से जो अवधेश प्रसाद जीते थे उनका नारा लगना शुरू हो गया। और बेईमानी से जीते हो ये नारा कैसे आया तो इसके बारे में बात करते हैं। तो अरुण गोविल जो है वो सुनीता वर्मा के जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनके खिलाफ लड़े थे। 4 जून के दिन जब मतगणना हो रहा था तो उस वक्त अरुण गोविल और सुनीता वर्मा में कांटे का टक्कर चल रहा था। कांटे का टक्कर कैसे कि अरुण गोविल पीछे चल रहे थे फिर सुनीता वर्मा कभी आगे चल रही थी, अरुण गोविल आगे कभी कभार आ रहे थे लेकिन सुनीता वर्मा हमेशा से आगे चल रही थी गिनती में। लेकिन अंततः अरुण गोविल ने 10,585 वोटों से जीत हासिल की। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता हैं वो इनको कह रहे थे कि बेईमानी से जीते हो। बहरहाल पूरा शपथ जब पूरा हुआ तो जैसे अरुण गोविल शपथ अपना लेकर नीचे उतरे तो विपक्ष के जितने लोग हैं वो जय अवधेश का नारा लगा रहे थे। इसके फल स्वरूप आप इसमें नजारा ये देखेंगे, आप संसद की इस फोटो को देखिए कि अवधेश प्रसाद जो है वो खड़े होकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं कि अवधेश प्रसाद का नारा तो सही है, राम का जो नारा है वो दब गया संसद में। ये भी सोचने का विषय है। चलिए दूसरे दिन जितने भी प्रकरण हुए इसके बाद उत्तर प्रदेश के सांसदों ने शपथ ग्रहण लिया। फिर करीब 4 बजे राहुल गांधी का समय आया शपथ लेने का। तो राहुल गांधी को बुलाया गया, कांग्रेसी सांसद इनके समर्थन में खूब नारे लगाए। राहुल गांधी ने अंग्रेजी भाषा में शपथ ग्रहण किया और शपथ लेने के बाद राहुल गांधी नीचे उतरे और एक और रोचक दृश्य यहां देखने को मिलता है कि राहुल गांधी ने और अखिलेश यादव ने भी न सिर्फ पीठासीन सांसद से हाथ मिलाया बल्कि उनके पीछे खड़े जो अधिकारी थे उनसे भी हाथ मिलाया। ये रोचक चीज देखने को मिला कल संसद। संसद से जुड़े और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वी1 न्यूज। आपके लिए ऐसे ही वीडियो हम हमेशा लाते रहेंगे। नमस्कार।